पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा जहां मुरादाबाद के सुयोजित विकास को लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है, तो वहीं अवैध निर्माण पर भी लगाम लगाने का काम हो रहा है। मंगलवार को थाना मझोला क्षेत्र के लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास स्थित लोहिया एक्सपोर्ट फर्म में उस समय हड़कंप मच गया जब मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को प्रारंभ किया गया। प्रवर्तन टीम द्वारा प्रभारी सागर गुप्ता के नेतृत्व में पहुंची एमडीए की टीम ने 3 अलग अलग बुलडोजर के साथ अतिक्रमण को ध्वस्त करने का काम किया, जिसके चलते लोहिया एक्सपोर्ट फर्म स्वामियों द्वारा गेट बंद कर लिया गया और हंगामा करने का प्रयास किया। लोहिया एक्सपोर्ट फर्म के फाटक को बंद कर अंदर उनके द्वारा मनमानी करने की कोशिश की गई, लेकिन प्राधिकरण के आला अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और लगातार बुलडोजर चलाते रहे। आज प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम के द्वारा जो लोहिया ब्रास फर्म है उसके अंतर्गत धोतीगढ़ की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इस प्रकरण में भी प्राधिकारी के न्यायालय से धोतीगढ़ के आदेश पारित किए गए थे और इसमें जो प्रतिवादी गण है उनको काफी समय दिया जा चुका है। पूर्व में उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो स्वयं जो भी निर्माण उनके द्वारा मानचित्र के विरुद्ध किया गया है उसको वो ध्वस्त कर लेंगे, लेकिन उनको पर्याप्त समय दिए जाने के उपरांत भी उनके द्वारा कुछ पोर्शन तोड़ा गया था, बाकी का पोर्शन उनके द्वारा नहीं तोड़ा गया है, जिसके कारण उनको एक बकायदा नोटिस और मुनादी कराने के बाद उनके वहां पर आज धोतीगढ़ की कार्रवाई की जा रही है। पहले भी एनडीए की टीम वो वहां पर भर्ती कराने में पहुंच चुकी है, बीच में रोक दिया गया, आदमी ऐसे भी देखने को मिला है, क्या कुछ मामला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, रोका नहीं गया है, क्योंकि प्रतिवादी गणों के द्वारा उस स्थल को खाली नहीं कराया गया है, उसमें कुछ सामान भी है, तो उस सामान को हटाने में समय लग रहा है ताकि उसको खाली करा दिया जाए और धोतीगढ़ की जो कार्रवाई जिसने निर्माण का आदेश हो रखे धोतीगढ़ के वो कार्रवाई पूरी होती है। उसको कार्रवाई भी देख रहे जो कंडीशन है नजर आ रहा होने का कि यहाँ पे कोई निर्माण शायद चल रहा है, तो उसको लेकर क्या वो अवैध रूप से है या वैध चल रहा है, उसकी भी जाँच उपरांत जो भी सक्षम अधिकारी के आदेश होंगे उसके अनुसार में उसको कार्रवाई। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।